अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के हमारा होली कंट्री है, आप इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पे हमारे मुसलमानों के मुकद्दस मकामात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हैं। अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो ये अरब जो है ये एक जज़ीरा नुमा है। इसके तीनों तरफ देखें, यहाँ पे ये पानी है, सिर्फ़ एक तरफ इसकी जो है यहाँ पे खुश्की है। इसका हदूद अरबाद अगर हम देखें या इसकी लोकेशन देखें तो इसके मशरिक़ में खलीज फ़ारस, मुतहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको हम कहते हैं यूएई, शुमाल में इराक, कुवैत और उर्दन, मगरिब में ये देखें बहीरा कुलज़म और जनूब में इसके यमन, ओमान और ये देखें इनके मज़ीद जनूब में बहीरा अरब जो है वाक़ है। सऊदी अरब का अगर हम देखें तो इसके मगरिब की तरफ इस तरफ ये वाला किनारा बुलंद है और ये जैसे जैसे हम मशरिक़ की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पे कुवैत और दजला और फरात की वादी की तरफ, इधर जो है वो इसकी ढलवान बतदरीज इस जगह पे कम होती चली जाती है। यानी इसका मगरबी किनारा बुलंद और मशरिक़ की तरफ जो है वो ढलवान कम होती चली जाती है। ये 26 लाख मुरब्बा किलोमीटर की वसत में फैला हुआ है और इसका कुल रकबा 2.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ का कैपिटल सिटी रियाज है और इस्लामिक दारुल खिलाफा मक्का है। सतह मुर्तफा अरब, अरब जो है वो असल में एक सतह मुर्तफा है, प्लेटो है। ये एक रेगिस्तान है जो चट्टानों की शिकस्त और रेख से वजूद में आया है और यहाँ पे परमानेंट रिवर कोई नहीं है बहने वाला। यहाँ पे छोटी छोटी दरियाई वादियाँ हैं जिनमें पानी उस वक़्त आता है जिस वक़्त बारिश होती है। अगर हम इसकी आबादी को देखें तो इसकी आबादी के बारे में अभी तक सही जो थे वो अदादोशुमार नहीं मालूम हो सके। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बाकायदा मरदमशुमारी नहीं की जाती। मरदमशुमारी जो 1974 में की गई उसके मुताबिक यहाँ की आबादी 70,12,642 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें यहाँ के रहने वाले मकामी लोग और खानाबदोश दोनों शामिल हैं। जबकि मौजूदा 1994 के आदादोशुमार के मुताबिक इसकी कुल आबादी तकरीबन 17.8 मिलियन है, जिसमें ज़्यादातर लोग, निस्फ से ज़्यादा लोग यमन, आसर और मस्कत के कोहिसानों में आबाद हैं। यहाँ पर जो बद्दू हैं उनकी सही तादाद नामालूम है। तकरीबन 60 लाख के करीब लोग शहरों में रहते हैं, बाकी जो हैं वो निखलस्तानों में रहते हैं और मुंतशिर होके रहते हैं। किसान जो हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, जिस जगह पे नखलस्तान उनको महसूस होता है, नज़र आता है, या जिस जगह थोड़ी बहुत ग्रीनरी होती है वहाँ पे लोग जो हैं ये बिखरी हुई फॉर्म में रहते हैं। और खानाबदोश आम तौर पर रेगिस्तानों में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनका आबादियों से मुस्तकिल राबता रहता है। और जो बद्दू लोग हैं उनमें अमीर ग्रोहों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि ऊँट पालते हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जैसे जैसे तरक्की हुई वहाँ पे अब ऊँटों के काफ़िले आपको बहुत कम नज़र आएंगे। अब तेज़ी दिन से वहाँ पर भी ज़िंदगी बदल रही है और ऊँटों की जगह कारों, बसों, ट्रकों ने ले ली है और अब हाजी लोग भी जो हैं वो जद्दा तक हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र करते हैं और कई मकामात पर जहाँ पे सतह के नज़दीक पानी मौजूद है वहाँ पर कुएँ खोद के ग्याहस्तान जो है वो वजूद में आ गए हैं।